नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अक्षय व्लॉग्स में फिर से एक बार। ये हफ्ता थोड़ा सा एक्साइटिंग रहने वाला है। ये हफ्ता क्यों एक्साइटिंग रहने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते हम क्या मैं ही जा रहा हूँ अकेला। इस बार तकरीबन 1.5 साल बाद मेरा एक सोलो ट्रिप लग रहा है। जब भी मैं लास्ट टाइम जाता था बाइक से, कोशिश करता था तो नहीं हो पाता था। इस बार भी इशू ये हो गया था कि कल रात पूरी, अगर आप देख रहे हो तो गीली पड़ी हुई रोड, पूरी रात बारिश हुई है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, गंदी वाली। मतलब दिल्ली में तो ओले तक पड़ गए। तो मेरा अगेन सेम प्लान था कि मैं बाइक से निकलूंगा, पर जिस हिसाब से माहौल हुआ है बारिश का, और जैसा मैंने आपको बताया कि स्पिति का ट्रिप है, तो मेरा सोलो ही ट्रिप है। अभी यहाँ से सोलो है एटलीस्ट शिमला नारकंडा तक। फिर उसके बाद एक भैया हैं जिनके साथ मैं जा रहा हूँ, जो वहाँ के लोकल हैं, वो लेके जाएंगे, उनके साथ ही जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे कल रात मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा मैं बाइक से आ जाऊँ, कह रहे भैया बाइक से मत आओ, क्योंकि सोलन से ऊपर बहुत बुरा हाल है, बारिश बहुत गंदी हो रखी है वहाँ पे, तो बाइक के लायक नहीं है। और करीबन ऊपर शिमला से ऊपर करीबन 2 से 3 फीट की बर्फ पड़ी हुई है, तो जो कि एक बहुत रिस्की हो जाता। तो इसकी वजह से बाइक का प्लान ड्रॉप हो गया है और मैं अब अकेला निकल रहा हूँ गाड़ी से। तो अगर आप देखोगे गाड़ी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तो आज लगभग सैटरडे है और पहला दिन है ट्रिप का। आज टारगेट होगा नारकंडा या शिमला या फिर जो भी हो सकता है, शिमला जाके पता चलेगा कि आगे प्लान क्या है। तो चलिए ऐसे ही मिलते मिलाते स्पिति का ट्रिप पूरा करते हैं, ठीक है। तो जी सुबह के हो रहे हैं 7:42, अगर आप देख पा रहे हो तो 7:42 हो रहे हैं। मैं मुरथल पहुंचने वाला हूँ, अगले आधे घंटे में मुरथल पहुंच जाऊंगा, 8:30 या 8:30 तक। बट जो माहौल है वो अगर आप देख रहे हो, काले बादल हैं, गंदे वाले, तो लग रहा है मुझे कि बाइक से ना आने का डिसीजन ठीक था। आई होप आगे और बुरा हाल मिलेगा, जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि सोलन एंड ऊपर तो बहुत ही बुरा हाल है, बर्फ है एंड बारिश तो रुक ही नहीं रही है, 2 दिन हो चुके हैं। तो मैंने कहा एक बार दिखा दूँ कि कितने काले बादल हो रखे हैं। ग्रेटर नोएडा में बादल छट चुके थे जब मैं सुबह निकला, थोड़ा थोड़ा सूरज निकल रहा था, बट यहाँ पे तो फुल ऑन बुरा हाल है। तो जी बारिश शुरू होती हुई, आप आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट गाड़ी पे अच्छा ऑटो वाइपर चल गए हैं तो बारिश हो ही रही है, बारिश हो गई है, शुरू हो गया, देख रहे हो बादल फुल ऑन। तो जी 8:08 हो रहे हैं, मैंने बोला था 8:15-8:30 तक मैं पहुंच जाऊंगा, तो 8:08 होने वाले हैं, मतलब 8:07 हो रहे हैं, 1 मिनट रह गया और हम मैं पहुंचने लगा हूँ मुरथल। मुरथल तो पहुंच गया, मतलब अमरिक सुखदेव पे। तो वहाँ पहुंचने के बाद मैं सोच रहा हूँ चाय नाश्ता कर लूँ, और जो एक पॉज होता है उसका अपना एक है हमेशा से कि मुरथल जाते तो अमरिक सुखदेव ज़रूर जाता हूँ। तो कुछ ज़्यादा खाऊंगा नहीं, छोटा सा तो सैंडविच ले लूँगा या फिर एक पनीर पराठा, और इनकी चाय बड़ी मस्त ही होती है, पता नहीं क्या ही बनाते हैं वो। तो चाय पी के अपन 15-20 मिनट में फिर डीज़ल भी टॉपअप करवाना है, डीज़ल थोड़ा लग रहा है कि ख़त्म सा होने लगा है, तो डीज़ल फुल करवा लेंगे एंड उसके बाद ताबड़तोड़ निकलते हैं, है ना। तो अगर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको अमरिक सुखदेव भाई साहब का बोर्ड दिखेगा, चाय नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। तो जी गाड़ी की हालत देखो, सफ़ेद गाड़ी, कल ही सर्विस होके आई थी है और आज तो खैर बुरा ही हाल है ना, यही है। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो जब पहाड़ों पे ऊपर चढ़ना शुरू होंगे तो स्वाद आ जाएगा। तो जी मैं डीजल करवा रहा हूँ फुल, अब देखते हैं कितने में कितना चलती है। वैसे अब तक तो 1920 का माइलेज दे रही है, मुरथल तक तो ठीक ठाक दे दिया है, अभी फुल देखते हैं कितने में होता है। तो जी तेल गिरवाया हमने 1900 रुपये का, भैया को पेमेंट कर देते हैं। तो जी 9:45 हो चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ। घड़ी तो दिखा रही है कि लगभग 4:30 तक शिमला पहुँचूंगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ से अभी। और गाड़ी हमने फुल करवा ली है,
और गाड़ी चलती है इकोनॉमी मोड पे, लेट्स सी कितना माइलेज देती है। उसके अलावा मेरे ख्याल से गाड़ी का जो तेल भरवाया हमने 1900 रुपये का डलवाया है, भाई कल डलवा चुका था, उसके अंदर शायद 10-12 लीटर तो पहले का पड़ा हुआ था। बाकी देखते हैं अब कब तक पहुँचते हैं। चलिए जी, तो ये गाड़ी जा रही है जो वन ऑफ माइन एंड आशु की फेवरेट है, पोर्शा मकान। मतलब भाई ने इस टाइम ना सॉकर्स अपने गिराए हुए हैं, वो तो चिपक के चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गाड़ी का वन ऑफ द बेस्ट फीचर है कि अगर इसको मतलब डिवाइडर पे भी चढ़ाना होगा ना, तो ये आराम से एक मोड होता है इसके अंदर, सस्पेंशन उठ जाते हैं और बॉडी टायर से ऊपर हो जाती है, इस डिवाइडर पे ना साइड में चल रहा है, इसमें आराम से चढ़ के निकल जाएंगे। हमने इसको देखा था कि भाई क्या करा था उसने, पोर्शा मकान। आशु भैया पोर्शा सोलन क्रॉस हो गया, एंड बारिश बहुत गंदी हो रही है, टेम्परेचर हो रहा है 8 डिग्री, 7 इनफैक्ट, 7 हो गया। तो जी आपने बारिश तो देख ही ली और अब देखो माहौल, कतई धूप निकली हुई है तगड़ी, लेकिन धूप बड़ी प्यारी सी लग रही है। बारिश अभी हुई है, टेम्परेचर यहाँ बाहर है 6 डिग्री सेल्सियस, अगर आप देखोगे तो 6 डिग्री सेल्सियस दिख रहा होगा। तो बाहर ठंड है अच्छी खासी और मजा आ रहा है गाड़ी चलाते हुए। गाड़ी फिर से खाली है, एक्चुअली कुछ लोग थे जिनको हम मेरे साथ ग्रुप में, मतलब मेरे साथ तो क्या, जिनके भैया के साथ जा रहा हूँ, उनके कुछ कस्टमर्स थे वो मुंबई से आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि इनको बिठा लो, तो मैंने बिठा लिया था। बट नाउ दीज पीपल आर हैविंग डिनर लंच, तो मैंने कहा भाई मैं निकलता हूँ, मुझे एक भैया को पिक करना है शिमला से, जो कि अभी यहाँ से 1.5 घंटा कम से कम मुझे लग जाएगा। तो मैंने कहा भैया आप लोग आराम से आते रहो, खाना पीना खाते रहो, मैंने पकड़ ली कॉफ़ी और सैंडविच और मैं निकल लिया हूँ ताबड़तोड़ शिमला के लिए। तो अब देखता हूँ शिमला कितनी देर में पहुँचता हूँ, फिर भैया को पिक करूंगा और फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे तत्ता पानी की तरफ। फिर हम जाएंगे आज बिंथल, एक गाँव है बिंथल, हम वहां रुकेंगे आज, एज ऑफ नाउ तो यही प्लान है। बाकी आपको मैं आगे बताता हूँ शिमला पहुंच के, है ना, गाड़ी चला दे थोड़ी सी मजेदार। तो जी शाम के हो चुके हैं 4:30, 4:26, टेम्परेचर हो चुका है 5 डिग्री सेल्सियस, ऊपर से जो गाड़ियां आ रही हैं उन पे स्नो गिरी हुई है, अगर आप देख पाओ तो कुछ गाड़ियों पे, तो इसका मतलब ऊपर स्नो हो रही है। देखो स्कॉर्पियो पे भी है, मुझे दिख रही है बिकॉज आपको कैमरे में नहीं दिख, कैमरे की वजह से नहीं दिख रही होगी, बट जो गाड़ियां ऊपर से आ रही हैं उस पे स्नो है, इसका मतलब शिमला में ठीक ठाक बरस पड़ चुके हैं, हिमपात शुरू हो चुका है। तो आई थिंक मुझे स्नो पड़ी हुई मिले या फिर पड़ रही हो, अगर किस्मत होगी तो इस बार स्नो पड़ती हुई दिखेगी, लेट्स सी। तो आधे घंटे में, अगले 20-25 मिनट में मैं शिमला पहुंचने वाला हूं, उसके बाद भैया को पिक करके हम आगे निकलेंगे। बोलेरो जा रही है, उसकी छत दिख रही है आपको, आई डोंट नो साफ दिख रही है कि नहीं, बट उसमें स्नो है, लेयर जमी हुई है भाई, और आगे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन पर भी स्नो है ना, देख रहे हो छत पे स्नो है। तो जी 4:50 हो रहे हैं, टेम्परेचर हो रखा है 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, मजा सा आ रहा है। मौसम देखो आप, बारिश तो यही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ कभी, एक देखो बर्फ का अभी ओला सा गिरा था, तो बर्फ कभी भी शुरू हो जाएगी, जिस हिसाब से गाड़ियां आ रही हैं उन पे बर्फ पड़ी हुई है। तो अब मेरे ख्याल से ना थोड़ी बहुत देर में बर्फ मुझे दिख जाएगी, मैं रिकॉर्ड करूंगा नो डाउट। तो जी हम अभी पहुंचे हैं मंडोड़ घाट के पास, और अगला स्टॉप है हमारा तत्ता पानी, फिर करसोग, और उसी से आगे हमारा पड़ेगा बिंथल यार बिथल करके बिथल, वहाँ पे जाके आज रात मैं वहीं रुकूंगा। तो शाम हो गई है और भाई 3 डिग्री टेम्परेचर, 2 या 3 डिग्री है इस टाइम, मेरे को लग रहा है रात तक तो माइनस हो ही जाएगा, और जो सफ़ेद कार थी वो काली होती रही होती हुई। तो अभी तो शाम का ही है, रात को वहाँ पहुँचने के बाद में एक फाइनल फुटेज देखता हूँ, पता नहीं कहाँ अभी रुकना, होटल है पता नहीं क्या है, अभी कुछ नहीं पता। तो यही है जी फिलहाल के लिए, और गाड़ी चल चुकी है तकरीबन 500 किलोमीटर और करीबन अभी 50 से 60 किलोमीटर रहता है। नाइट व्यू पहाड़ यार। तो जी रास्ते लग गए हैं, रास्ते इसलिए लग गए हैं क्योंकि ट्रैफिक है, शिमला वाला हाईवे जो था वो कतई जैम था बर्फ की वजह से, तो हम लोगों ने दूसरा लिया रूट जो कि तत्ता पानी होते हुए था, लेकिन ये वन वे है तो उसकी वजह से और ट्रैफिक लग गया गंदा, वाट लगी पड़ी है। रात्रि के बज रहे हैं तकरीबन 9:15, और जिस हिसाब से हम जा रहे हैं मेरे ख्याल से
10-11 बजे से पहले नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है, और सुबह फिर 10-11 बजे निकलना। आई डोंट नो, अब जब पहुंचूंगा तब लास्ट अपडेट करूंगा आप लोगों को, बट फिलहाल तो यही मानो कि ये लास्ट व्लॉग है, क्योंकि मैं गाड़ी में ही थोड़ा बहुत सोने वोने की सोच रहा हूँ। जब ट्रैफिक खुल जाएगा तब आगे मूव करेंगे, लेट्स सी। ट्रैफिक देखो भैया, करना रिकॉर्ड कर रखे, फ्लैश ऑफ करना, आवाज पूरा रोड पूरा गाड़ियां हैं, वो लाइटें से दिख रही छोटी छोटी लाइट नहीं है गाड़ियां, लोग पैदल भी चल रहे हैं, हाईवे देवी हो गया है। तो जी मैं पहुंच गया हूं आज फर्स्ट डे की डेस्टिनेशन पे, करेक्ट 12 बज रहे हैं, मैं 11:59 पे पहुँचा हूँ। अतुल रेजेंसी होटल है जिसमें बुक है हमारा आज का स्टे, और ये है तकरीबन मेरे ख्याल से 550 किलोमीटर में गाड़ी चला चुका हूँ आज, और यहीं आज रात स्टे करेंगे और कल सुबह देखते हैं कहाँ निकलना है हमें। कल प्लान तो नाको का है शायद, बाकी सुबह ही पता चलेगा, अभी तो कुछ खा पी के सोएंगे। और ये है जिसमें मैं कल जाऊंगा बैठ के। तो चलो जी आज के लिए गुड नाइट, और यही है आज का व्लॉग हमारा, और 3 घंटे में ट्रैफिक में रहूं। जय हिंद, जय श्री राम।